मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। बड़ी पुरानी बात थी, पर ये बात पुरानी नहीं बल्कि आपको बहुत नई ताज़ा बता रही हूँ। मैं जिस गांव में रह रही हूँ। सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो की ललिया यानी रतन राजपूत 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर क्या करें और क्या ना करें, इस पर अपनी राय रख रही हैं। जरा आप भी सुनिए इनकी एक काम की जरूरी बातें। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। बड़ी पुरानी बात थी, पर ये बात पुरानी नहीं बल्कि आपको बहुत नई ताजा बता रही हूँ। मैं जिस गांव में रह रही हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे महान पढ़े लिखे महापुरुष हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा वर्ल्ड किस परेशानी से जूझ रहा है। यू नो, रोज बिना काम के उनको मार्केट जाना है, इधर उधर गप्पे बैठक लगानी है, और सिर्फ सरकार के और ऐसे लोगों की जो घर में बंद हैं उनका मजाक उड़ाना है। उनको लगता है कि उनकी मर्दानगी या उनकी जो बहादुरी है वो गली गली घूमने में और कोरोना से डरने में नहीं है, बल्कि लोगों को प्रोवोक करने में है कि अरे भाई क्या घर में छुप कर बैठे हो, बाहर निकलो, जो मजाक है क्या। सॉरी, लैंग्वेज के लिए माफ़ी चाहूँगी, मैं खुद गाली को सपोर्ट नहीं करती, पर जो सिचुएशन है गाँव में या और भी जगह जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि वो ज़रा भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये कुछ ऐसी सी हालत हो गई है कि हम तो मरेंगे सनम पर तुमको भी ना छोड़ेंगे। सालों अपनी फिक्र नहीं है तो दूसरों की तो फिक्र करो। अभी जो मर्दानगी है ना, वो गली मोहल्ले में घूमने में नहीं है बल्कि घर पर बैठने में है। अगर हिम्मत है ना से आगाह कर दूं, और हाथ जोड़कर कह दूं कि अगर मेरे बातों में अब शब्द थोड़े से गाली अगर आ जाएं तो उन्हें नजरअंदाज कर दीजिए।